देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए लामबंद हुई प्रदेश सरकार, जिसके चलते सभी जिला कलेक्टर को दिए आदेश, कुपोषण कम से कम करने के उपाय जल्द से जल्द किए जाएं। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने कुपोषण पर एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत प्रदेश के 35 शहर इसके लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में आज कलेक्टर राजेश जैन ने डीजियाना से खास बातचीत करते हुए बताया कि 8 मार्च से यह मिशन चालू हो गया है। जिले के 1660 आंगनवाड़ी केंद्रों में इसकी शुरुआत हुई है। इसमें 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण में कमी लाना मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही अनीमिया से भी बच्चों को दूर रखना है। साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्रों की दम पर ही कुपोषण को दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिए सभी लोगों को अपने घरों में बच्चों को ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को पोषण आहार देना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च को झुंझुनू से इसकी शुरुआत की है और देश के लगभग 315 जिले इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 38 जिले हैं, जिनमें से गुना जिला एक है और गुना में भी 8 मार्च से मिशन चालू हो गया है। इसमें जिले की सभी 1660 आंगनवाड़ियों में ये मिशन प्रारंभ हो रहा है। इसका उद्देश्य आगामी 3 साल में 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, गर्भवती और धात्री माताएं हैं, उनके पोषण स्तर में सुधार लाना है। इसके जो मेन उद्देश्य हैं, उसमें सबसे पहला है कि बच्चों के अल्प पोषण में कमी लाना और प्रतिवर्ष इसमें 2% 0 से 6 वर्ष के बच्चे 2% बच्चों में एनीमिया के प्रचार प्रसार प्रसार में कमी लाना 2% है इसका भी। थिगनेपन से बचाव, उसमें भी 2% है प्रतिवर्ष। 15 से 49 वर्ष की जो किशोरी, गर्भवती एवं धात्री माताएँ हैं, उनमें 3% प्रतिवर्ष से प्रसार में कमी लाना और कम वजन वाले बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके वजन की संख्या, ऐसे बच्चों की संख्या में कमी लाना, एक 2% कहीं ना कहीं कुपोषण में लगातार कुपोषण के लिए काम कर रहे, कमी आएगी और बच्चों का जो देखिए निश्चित रूप से देखिए क्या होता है कि कुपोषण एक बड़ा बृहत शब्द है और कुपोषण केवल आप सोचें कि केवल आंगनवाड़ी के स्तर से कुपोषण में कमी आए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि लोगों को घर पर भी अपने बच्चों के लिए किस तरह का आहार दे रहे हैं, बल्कि आदर्श स्थिति है कि जिस जगह जो भी चीज़ उपलब्ध है, चाहे वो सब्जी हो चाहे फल हो, जिस परिवेश में उपलब्ध है वो उनको खिलवाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पोषण के स्तर में सुधार होता है। अभी मध्य प्रदेश में सभी शहरी परिवारों को 1,000 रुपये प्रति माह सब्जी और फलों के लिए दिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ भी प्रदाय किए गए लगभग 14,000 परिवारों में। तो निश्चित रूप से इससे जो हमारी सबसे कुपोषण की समस्या इन्हीं पॉकेट्स में थी और उससे निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। राधोगढ़ से इस्तेमाई शादियां कराने वाली कमेटी का प्रतिनिधि मंडल आज कलेक्टर राजेश जैन से मिला। वहीं उन्होंने मांग रखी कि मुख्यमंत्री निगाह योजना का लाभ राधोगढ़ की जनता को भी मिले। बता दें कि पिछले 19 सालों से ये कमेटी इस्तेमाई शादियों का आयोजन करती आ रही है। शादी कमेटी के सदस्यों की माने तो कुछ संगठन प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियों का फायदा ले रहे हैं। इसी के चलते इस कमेटी के सदस्यों ने भी इस बार मुख्यमंत्री निकाय योजना का लाभ लेने के बारे में सोचा, जिसको लेकर कलेक्टर राजेश जैन ने इनकी मदद का आश्वासन भी दिया है। राघोगढ़ में इस्तेमाई शादियाँ करते आए चले आ रहे हैं, तो उसके लिए हम इस वर्ष मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ के लिए माननीय जिलाधीश महोदय से मिले थे। माननीय जिलाधीश महोदय ने हमें मदद का आश्वासन दिया है कि आपकी शादियों में हमें ना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से पूरी मदद करेंगे। कोई समस्या आ रही थी क्या जी? समस्या आ रही थी क्या कुछ? नहीं, इसके लिए हमें कोई समस्या नहीं है। माननीय जिलाधीश महोदय ने हमारे लिए मदद का आश्वासन दिया है कि पूरी कोशिश करूँगा। नहीं, ये शादियाँ करने में आपको कोई परेशानी आ रही थी कि? नहीं, परेशानियाँ नहीं आ रही। हम 19 साल से बिलाल मस्जिद कमेटी राघोगढ़ में इज्तिमा करती आई हुई है
जिसने 150-150 जोड़ों का राघोगढ़ में बहुत बड़ा सम्मेलन किया है और इस वर्ष भी 14 अप्रैल को इज्तिमाई शादियां होने जा रही हैं। तो कुछ कमेटियां और भी शादियां कर रही हैं ज़िले में, तो वो इस योजना का लाभ दे रही हैं। तो हमने सोचा कि हमारी कमेटी ने ये सोचा कि क्यों ना हम भी इस योजना का लाभ लोगों को दें, गरीब बच्चियों को दें। इससे पहले आपने इसका लाभ लिया है क्या? इससे पहले 19 साल से हमने आज तक इस योजना का लाभ नहीं लिया। पीपल के पेड़ की पूजा कर महिलाओं ने अपने घर में धन्य धान्य की कामना की। आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार होली के 10 दिन बाद पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसके पीछे ये मान्यता है कि इसके पूजन करने से घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं आती। इसको लेकर आज शहर की कई महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की पूजा की। अगर फिर मेरा लगा दूँ तो लगा लेंगे। लगा लिया हमने। लगा लिया। लगा लिया। घर की पूजा होती है, मतलब दशहरा माता की पूजा होती है, धन धान से भरा रहे अपना घर होली के 10 दिन बाद। घर की धन धान सुख शांति बनी रहे घर पे, इसकी पूजा की जाती है। इसकी संविदा कर्मियों को लेकर प्रदेश सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आज अपने हड़ताल के 22वें दिन संविदा कर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांग दोहराई कि उन्हें जल्द से जल्द नियमित कर दिया जाए। यदि उनका नियमितकरण नहीं किया जाता तो इस बार के चुनाव में भाजपा पर चोट करेंगे। संविदा कर्मियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने यदि उनकी मांगों को नहीं सुना या नहीं माना तो इस बार प्रदेश में कमल का फूल दोबारा नहीं खिल पाएगा। या यूं कहें कि प्रदेश सरकार को यदि फिर से शासन करना है तो इन संविदा कर्मियों को नियमित करना ही पड़ेगा। मजा आ गया था, इतनी शानदार आवाज जा रही है। मोनी तुझसे बैर नहीं, मामा तेरी जय। मोनी तुझसे बैर नहीं, मामा तेरी जय। हमारी भूल, कमल का फूल। हमारी भूल, कमल का फूल। हमारी भूल, कमल का फूल। हमारी आज हमारी हड़ताल का 22वां दिन है और हम लोगों ने आज मानव श्रृंखला बनाकर अपनी पुरजोर मांग रखी है कि हम लोगों को नियमित किया जाए। 22 दिन हो गए हैं और आगे भी हमारा संघर्ष चलेगा कि हमारी मांग नियमितीकरण की वो सरकार को पूरी करना होगी। और कमल का फूल तभी खिलेगा जब संविदा चेहरे मुरझाना बंद होंगे, अन्यथा कमल का फूल भी मुरझा जाएगा अगले चुनाव में। बच्चों को हो कानून की जानकारी, इस हेतु जिले में खोले जाएंगे 5 विधिक साक्षरता क्लब। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक बच्चे को कानून की समझ होना अति आवश्यक है, जिसके ना होने के चलते कई बार बच्चों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। वहीं बच्चों को कानून की जानकारी न होने के अभाव में होने वाले नुकसानों से बचने के लिए शहर का पहला विधिक साक्षरता क्लब खोला गया, जिसका उद्घाटन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। इस क्लब के माध्यम से बच्चों को हर जरूरी कानूनी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस उद्घाटन समारोह में शहर के मजिस्ट्रेट श्री दत्ता मौजूद रहे, साथ ही उन्होंने फीता काट कर इस क्लब का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर उत्कृष्ट विद्यालय परिवार के सभी टीचर वहाँ मौजूद रहे, साथ ही अभिभाषक गण भी मौजूद रहे। जिला शिक्षा अधिकारी भी आ गए। आज यह लीगल लिटरेसी क्लब का उद्घाटन किया जा रहा है। नालसा के दिशा निर्देश अनुसार, सालसा दिशा निर्देश अनुसार जिले के अंदर 5 ऐसे क्लब खोले जाना है। ये प्रथम चरण में ये क्लब खोला गया है, इससे ताकि बच्चों में जागरूकता बढ़े, कानून के प्रति जागरूकता बढ़े। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के नालसा के दिशा निर्देश पर कि जगह प्रत्येक जिले में से खोले जा रहे हैं। आशा से स्टूडेंट्स को फायदा होगा और विधिक जानकारी बढ़ेगी। शास
की महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा 9 में पढ़ने वाली उन सभी छात्राओं को जो 2 किलोमीटर दूर से आती हैं, उन्हें साइकिल का वितरण निःशुल्क होना है, जिसके तहत आज शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई के स्कूल में 52 साइकिलों का निःशुल्क वितरण किया गया। आगे बढ़ा के आगे अंकित आ जाएगा। हां बोलो लॉक अरे ले जाओ नोट लगा लॉक खोलो। आज निःशुल्क साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कक्षा 9 में जो छात्राएं अध्ययन करती हैं और जो 2 किलोमीटर दूर से छात्राएं आती हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए, उनको शासन की तरफ से निःशुल्क साइकिल दी जा रही है। इसमें सर मुख्य अतिथि हाँ इसमें मुख्य अतिथि आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय। करीबन कितनी बच्चियों को साइकिल? इसमें 52 बच्चियों को साइकिल दी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों की समीक्षा बैठक ली। इस समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और योजनाओं को सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं या नहीं, या उनके क्रियान्वयन में कोई दिक्कत आ रही है, इस पर बात की गयी। म्याना में 20 दिनों तक चला विधानसभा स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन आज म्याना चौराहा गुपचुप स्टेडियम पर किया गया। आज का फाइनल मैच गुना और शाडोरा के बीच खेला गया। इसमें बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर ओपी त्रिपाठी द्वारा विजेता टीम गुना को 31,000 रूपए और उप विजेता टीम शाडोरा को 15,000 रूपए का नगद पुरस्कार डॉक्टर ओपी त्रिपाठी ने दिया। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि आगे भी ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहेंगी। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। हमारे साथ आए बहुजन समाज पार्टी के नेता लल्लीराम मोनी जी और यहाँ पर विभिन्न जगहों से आए, कई जिलों से पधारे। लिफाफे में सफेद कागज में पैसा देते हैं, लेकिन डॉक्टर ओपी त्रिपाठी खुले रूप से मंच से पैसा दिखा के देता है कि कोई आरोप न लगा सके कि हमने पैसा नहीं दिया। हम पैसा इसी प्रकार क्रिकेट के लिए बहाते रहेंगे। कुर्सी लगा दो यार सामने सामने देखिए इधर इधर देखिए जो म्याना में क्रिकेट मैच 20-22 दिनों चल रहा था, उसका आज अंतिम फाइनल था। फाइनल मैच गुना के टीम ने जीता और साडोरा की टीम हार गई। गुना की जो टीम थी मनीष साहू क्लब की वो जीती और उसको मैंने पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपये नकद ट्रॉफी के साथ प्रदान की। वो विजेता टीम को 15,000 रुपये ट्रॉफी के साथ प्रदान किए और सभी खिलाड़ियों कमेंटेटर और स्कोरर एम्पायर सबको भी ट्रॉफी मैंने दिया। विधानसभा स्तरीय टूर्नामेंट हम चला रहे, केवल बाबरी विधानसभा में करा रहे हैं और 50 से ऊपर मैच हो गए। अभी वर्तमान में 8 मैच चल रहे हैं, कल टकनेरा में भी मैच का समापन है। सर ये खेल करवाने में आपका क्या सिद्धांत, क्या आपने सोचा है कि ये खेल करवाए? खेल करवाने का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को क्रिकेट प्रति अत्यधिक जागरूक करना, क्रिकेट के लिए और उत्साह करना, युवा खेलें और स्वस्थ रहें, क्रिकेट की भावना बनी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। कि युवा वर्ग इस समय बामोरी विधानसभा के मेरे साथ में है, उसका राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है किसी का, लेकिन मेरा केवल उद्देश्य है कि युवाओं के लिए सब कार्य करना, उनको प्रेरित करना, खेल भावना को भी
प्रेरित करना। मैं कई युवा खेल प्रेमियों को आर्थिक रूप से हेल्प भी करूंगा भविष्य में, जो अच्छा खेलेंगे उनको मैं बाहर भी जो है विशेष ट्रेनिंग के लिए भी भेजूंगा। एक तरफ तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमराशी गई हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मकसूदनगढ़ में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। यहां मानवता के नाते दो डॉक्टरों ने ही मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र को संभाले रखा है। मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में 100 से ज्यादा गाँव आते हैं और मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मुकेश शर्मा और उनकी धर्मपत्नी ही मरीजों का पर्चा बनाते हैं और दोनों ही डॉक्टर मरीजों को देखते हैं और डॉक्टर ही इंजेक्शन और बोतल भी मरीजों को लगाते हैं। यही कारण है मकसूदनगढ़ क्षेत्र की जनता इन दोनों डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानती है। बात यहीं तक होती तो भी ठीक था। यह दोनों डॉक्टरों ने मकसूदनगढ़ तहसील से आने वाले 100 से भी ज्यादा गाँव को संभाल रखा है और स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को दे रहे हैं, वह भी ऐसे दौर में जब संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वह अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इस संबंध में जब हमारे मकसूदनगढ़ संवाददाता टोनी शाह ने डॉक्टर मुकेश शर्मा से बात की तो डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि मानवता के नाते मरीजों का इलाज करना जरूरी है, कोई हो या ना हो, मैं तो उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं ही चाहिए जो मुझे मिलती भी है। इस समस्याएं तो बहुत आ रही हैं। क्या है कि इस मरीजों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और उससे क्या होता है कि मरीज आता है तो कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं, बोतल लगाने वाला कोई नहीं है, तो कर्मचारी जो मरीज है वो हमारे ऊपर भड़ास नहीं होता है। हालांकि फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मरीज को ज़्यादा संतुष्ट करें और जो आवश्यक उसको दवाइयाँ हों उसको दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएँ, और अगर कोई मान लो लड़ाई झगड़े का केस है या कोई गिर गया एक्सीडेंट हो गया तो उसको टांके भी लगाने पड़ते हैं, तो लोड हमारे ऊपर ज़्यादा है। नहीं, कर्मचारी जो कि हड़ताल पर हैं उनकी सरकार से विभिन्न मांगे हैं, हम उनका भी समर्थन करते हैं कि वो भी अपनी जायज़ मांगे हैं तो इसलिए वो हड़ताल पर गए हुए हैं, लेकिन आजकल अस्पताल में मरीज भी संख्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है और उसके कारण हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी मरीजों से भी बात हुई थी सर, मरीज आपको भगवान का रूप मानते हैं, इस पे आपके क्या कहना है? वो तो एक डॉक्टर, सभी डॉक्टर को मरीज भगवान के इसमें देखता है रूप में, लेकिन अपनी एक ही कोशिश रहती है कि डॉक्टर हमें बनाया तो एक मानव सेवा के लिए बनाया है, और मानव सेवा करेंगे तभी मरीज हमसे संतुष्ट रहेगा, तो हमारा प्रयास वही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुष्ट करके रखें। और वैसे तो भगवान भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है क्योंकि लोगों की अलग अलग अपेक्षा रहती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो भी मेरी कोशिश रहती है ये रहती है कि मरीज संतुष्ट होकर ऐसे रहे। आप क्या अपेक्षा करते हो सर मरीजों से? मरीजों से कोई अपेक्षा नहीं, वो तो हमारे पास खुद अपनी अपेक्षा लेके आते हैं, उसी चाहते हैं कि वो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, क्योंकि कभी कभी मरीज ज़्यादा बीमार है और उसके परिजन एकदम से वो चाहते हैं कि जल्दी से उनको वो इलाज मिल जाए, ये सब मिल जाए, लेकिन चूँकि अस्पताल में कर्मचारी कम है, हमारे पहले से ही कर्मचारी बहुत ज़्यादा कम है जो शौक से ऊपर गाँव आते हैं, और यहाँ डॉक्टर भी हम जैसे दो लोग हैं और डॉक्टर की जो अगर अपन WHO का वो देखें तो हर 10,000 में एक डॉक्टर होना चाहिए, तो यहाँ डॉक्टर कम से कम 10 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन फिर भी दो डॉक्टर हैं और इतना लोड होने के बावजूद भी अपन सेवाएं दे रहे हैं जितनी भी अपने बस की है, और उसके बाद अगर मरीज कभी कभी कुछ बोल जाता है तो अपन ये सोच लेते हैं चलो ठीक है भाई यार वो तकलीफ में था, कुछ बोल गया, भगवान उसको सदबुद्धि दे, अपन चाहते हैं अपन अपना काम अपने अच्छे से कर सकें। इस संबंध में फिर हमारे संवाददाता टोनी शाह ने कुछ मरीजों से भी बात की और मरीजों ने क्या कुछ कहा आइए आपको बताते हैं। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। का नाम? दीपाल सिंह गुर्जर। आप अस्पताल क्यों आए थे? डॉक्टर साहब से इलाज कराने। फिर क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने इलाज किया। अच्छा। और गंभीर बीमारी थी। हाँ। और बीमारी इलाज कराई डॉक्टर साहब ने, 24 घंटे उपलब्ध थे डॉक्टर साहब जी, कभी भी आते हैं डॉक्टर साहब तुरंत उठ के। अभी ये कर्मचारियों की हड़ताल भी चल रही है, इससे कोई समस्या सामने आई है? नहीं आई डॉक्टर साहब। अभी एक वार था सीता सप्तमी महिलाओं का, जो तो एक बाजार में एक नंद किशोर जी अग्रवाल हैं, उनकी पत्नी गिर गई थी वहाँ माता जी मंदिर पे, तो डॉक्टर साहब ने खुद टाके लगाए उनके। तो आप ये कहना चाहोगे डॉक्टर साहब के ऊपर? हम तो डॉक्टर साहब को भगवान का रूप मानते हैं, डॉक्टर साहब के यहाँ से कोई मरीज निराश होकर नहीं गया। आरोन में नकदी भुगतान न मिलने के कारण किसानों ने मंडी गेट के सामने आरोन सिरोंज रोड पर 3 घंटे तक जाम लगाया
और जबरदस्त हंगामा भी किया। इस मौके पर आरों तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर, थाना प्रभारी राकेश गुप्ता, बैंक अधिकारी पवैया एवं प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और किसानों के गुस्से को काबू में कर उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें जल्द ही नकदी भुगतान किया जाएगा एवं मंडी में अनाज की बोली भी जल्दी शुरू कराई जाएगी। इसमें किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन एवं बैंक अधिकारी को द्वारा किसानों को उनके अनाज का पैसा लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है एवं पैसे लेने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद कहीं जाकर पैसा खाते में आता है तो उसके बाद बैंक की लाइन में लगकर समय बर्बाद होता है, कई दिनों तक लाइन में लगे रहना पड़ता है। इस बात पर बैंक अधिकारी पवैया जी का कहना है कि बैंक में कैश न होने के कारण व्यापारियों को भुगतान नहीं किया जा पा रहा। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि बैंक उनसे बदसलूकी करता है और RGTS एवं पैसे देने से मना करता है। ऐसे में व्यापारी किसानों को पैसे न देने पर मजबूर हैं। इस मौके पर भड़के हुए किसानों ने पैसे का मोह छोड़कर अपने पेट की ओर ध्यान दिया तो मंडी में बनी हुई कैंटीन भी बंद थी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 5 रुपए में भोजन थाली मिलने वाली व्यवस्था भी फेल दिखाई दी तो किसानों ने कैंटीन में रखे शिवराज सिंह चौहान के बैनर जला दिए। क्या हो गया, मंडी नहीं हो पाई क्या? मंडी कहाँ बोल रहा है? फिर कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहे हैं और वापस जा रहे हो? और ककर क्या कह दिया आपसे? मैं मंडी में क्या कह दिया, बात क्यों नहीं हो रही? आई नहीं क्या? कोई मना क्यों कर दिया आपसे? आप लगा रहे मंडी में डाक कराने आ चने ले के, फिर क्या हो गया? नगद पेमेंट नहीं हो रहा, अभी तक कोई व्यापारी नहीं आया। चक्का जाम क्यों कर दिया? नगद पेमेंट और डाक नहीं हो रही। तो वापस जा रहे हो? जाओगे? वापस नहीं जा रहा जब तक निराकरण नहीं हो जाता। तो चक्का जाम लगा रहेगा जब तक? जब तक लगा रहेगा। अच्छा, आरोन से हमारे सहयोगी राकेश जैन की रिपोर्ट। डिजियाना न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।